हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं ये पोस्टर स्लैश चार्ट। सबसे पहले ये रहा हमारा कैनवास और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपना रेक्टेंगल टूल एंड जहाँ पे हम ड्रो करते हैं इससे हम कलर को चेंज करेंगे और हम इससे कॉपी बनाते हैं। तो कॉपी करने के लिए हम इसे ऑल्ट प्रेस के ऑल्ट होल्ड करेंगे एंड माउस से हम इसे ड्रैग करते हैं एंड देन कंट्रोल टी राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम करेंगे पर्सपेक्टिव, देन फिर से राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम इसे करेंगे डिसॉर्ट एंड ओके। हम इसी लेंथ थोड़ी कम करेंगे एंड ओके। ऊपर वाले का हम कलर चेंज करते हैं तो हम इसे लेंगे ब्राइट कलर और अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट ए क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लेंगे ब्राइट कलर और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। देन हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट ए क्लिपिंग मास्क, फिर हम सिलेक्ट करेंगे ब्रश टूल और यहाँ से हम लेते हैं डार्क कलर और हमने ऊपर अप्लाई करना है और नीचे अप्लाई करना है तो इसके लिए हम ऐसे अप्लाई करते हैं, साइज इंक्रीज करेंगे नीचे से भी। फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क और इस बार हम लेते हैं ब्राइट कलर जिसे हम यहाँ पे कॉर्नर में अप्लाई करेंगे, साइज इंक्रीज करते हैं, ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, स्क्रीन ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहां से हम अप्लाई करते हैं बेवल एंड एम्बर्स। तो हमने यहाँ पे इस साइड हमने व्हाइट कलर का लाइन ऐड करना है जो हमारा इस तरफ है, तो इसका जो हमारा हाईलाइट मोड है इसे हम कर देते हैं नॉर्मल और एंगल चेंज करेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे आ गया और जो साइज है हम उसे कम करते हैं तो वन रखते हैं, ओपेसिटी कम करेंगे एंड ओके। और अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे सारे लेयर्स को और इनको कर देते हैं ग्रुप। देन हम सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड लेयर और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, हम डार्क कलर ले लेते हैं न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, फिर से ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे तो ओपेसिटी कम करेंगे एंड देन ओपेसिटी भी कम करेंगे एंड ओके। और अब हम ऊपर वाले ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें इसके नीचे बनाना है शेडो, तो और अब हमें इसके नीचे बनाना है शेडो तो उसके लिए हम लेंगे एक न्यू लेयर, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लेंगे ब्लैक कलर, ओपेसिटी फुल करते हैं लेयर मार्क्स ऐड करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम इरेज करते हैं और इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। और अब हम बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करते हैं, एडजस्टमेंट आइकन पर जाएंगे एंड सॉलिड कलर और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं ब्राइट कलर एंड ओके। न्यू लेयर लेंगे और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं ग्रेडियंट और जो हमारा कलर होगा वो हम लेते हैं डार्क और यहां से ऐसे अप्लाई करेंगे, न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और हम लेंगे यहाँ से ब्राइट कलर एंड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड हम इसका करेंगे स्क्रीन, फिर से हम इसे कॉपी बनाते हैं, साइज इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ी सी और ब्राइटनेस अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे
साइज कम करते हैं इसका। ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे स्क्रीन, ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके। और जो हमारा शेडो है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं है तो हम इसे कॉपी करते हैं और इस साइड हम थोड़ा ड्रैग करेंगे और फिर से कॉपी करते हैं और दूसरी साइड पे परफेक्ट। और इनको हम कर देते हैं शेडो को करेंगे, और जो जितने भी शेडो वाले लेयर्स हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे, उनको कर देते हैं ग्रुप, लेयर मास्क ऐड करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है हम इरेज कर देते हैं परफेक्ट। बैकग्राउंड लेयर को हम कर देंगे ग्रुप एंड देन हम यहाँ आएंगे और अपने प्रोडक्ट को करेंगे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, उनको हम थोड़ा नीचे ड्रैग करते हैं एंड ओके। इसकी साइज को कम करेंगे और अब हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट ए क्लिपिंग मास्क, एडिट में जाएंगे, फिल एंड 50% ग्रे ओके एंड ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे ओवरले, और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं डोज टूल और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अब हम सिलेक्ट करेंगे बर्न टूल, हम यहाँ पे थोड़ा डार्क करेंगे, एक्सपोजर इंक्रीज करते हैं इसे हम हाइड करके देखते हैं परफेक्ट एंड देन हम इसे सिलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड एक्सपोजर, और जो हमारा एक्सपोजर उसे हम कम करते हैं, गामा करेक्शन इंक्रीज करेंगे, लेयर पे आएंगे और इसे हम करेंगे कंट्रोल आई, मतलब इसे करेंगे रिवर्ट, ब्रश को सिलेक्ट करते हैं और नीचे हमने यहाँ पे क्रिएट करना है शेडो तो हम यहाँ पे ऐसे अप्लाई करेंगे। अब हम इसके नीचे बनाएंगे शेडो तो हम लेंगे न्यू लेयर, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहां से लेते हैं ब्लैक कलर, ओपेसिटी कम करते हैं, न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और हम यहां पे अप्लाई करेंगे व्हाइट कलर कॉपी करते हैं। और इन सभी को हम स्लैप करेंगे और इनको कर देते हैं ग्रुप। और अब हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल एंड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, फिल ऑफ करेंगे एंड स्टॉक को हम ऑन करेंगे तो हम ले लेते हैं यहां से ये कलर, साइज इंक्रीज करेंगे, कलर चेंज करते हैं, लेयर्स पे आएंगे और इसे हम रोटेट करेंगे। ओके और अब हम एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लेंगे ब्राइट कलर और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे स्क्रीन, कलर हम थोड़ा और डार्क लेते हैं ये। और अब हम फिर से इस लेयर की कॉपी करेंगे और इस बार हम इसे सेलेक्ट करेंगे कलर डोर्स, ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, देन हम क्लिक करेंगे ड्रॉप शेडो और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है वो हमारा -20 है तो आप यहाँ से एंगल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जैसे आपका डिजाइन हो, तो हम रखेंगे ऐसे -20 चाहिए। और जो हमारा कलर है उसे हम थोड़ा व्हाइट में लेंगे, डिस्टेंस हमारा 4 है एंड साइज हमारा 0 और स्प्रेड भी हमारा 0 है एंड देन ओके।
अब हम इसका बनाना है शेडो, तो हम इसे करेंगे कॉपी, ड्रॉप शेडो ऑफ करते हैं और इसे हम कंट्रोल टी राइट क्लिक करेंगे एंड फ्लिप वर्टिकल। राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर पे जाएंगे एंड गॉसियन ब्लर, गॉसियन ब्लर है हमारा 3.0 एंड ओके। इसे हम लेके आएंगे बॉक्स के नीचे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे लेयर मास्क एंड देन हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट। ओपेसिटी कम करते हैं, फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड मोशन ब्लर एंड ओके। और अब हम यहाँ पे आएंगे और यहां से हम अपने इस वाले लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और हमें बस ये वाला पार्ट चाहिए तो इसे हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं क्रॉप। लेयर मास्क ऐड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ से हम क्लिक करते हैं कलर ओवरले और यहाँ पे हम इसे करेंगे ब्लैक एंड ओके। इस वाले लेयर को हम नीचे लेके आते हैं, फिल्टर पे जाएंगे एंड गॉसियन ब्लर 4 एंड ओके। ओपेसिटी कम करते हैं, गॉसियन ब्लर थोड़ा और इंक्रीज करेंगे 5 और साइज इंक्रीज करते हैं, फिल्टर पे जाएंगे एंड मोशन ब्लर एंड ओके। एंड देन बैकग्राउंड में हमें ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज करना है तो हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश पे फ्लैग करते हैं एंड वाइट कलर और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, साइज इंक्रीज करते हैं एंड ओके। ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे ओवरले, ओपेसिटी कम करते हैं, यहाँ पे भी हमें ब्राइटनेस अप्लाई करना है और अब हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम फ्लैग करते हैं एलिप्स टूल और यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल स्ट्रोक ऑफ करेंगे, फिल पे जाएंगे और यहाँ से ये कलर, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट ए क्लिपिंग मार्क, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लेंगे ब्राइट कलर एंड अप्लाई। फिर से एक न्यू लेयर, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट ए क्लिपिंग मार्क और अब हम लेंगे ब्राइट कलर। ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे ओवरले, अगेन कॉपी एंड इस बार हम करते हैं स्क्रीन, ओपेसिटी कम करते हैं, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम रखेंगे शेडो क्रिएट करते हैं यहाँ पे और इसके नीचे हम लेंगे एक और लेयर, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इन सभी लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, इनको कर देंगे ग्रुप, इसे कॉपी करते हैं, इसे ब्राइटनेस को हम कम करेंगे एंड ओके। और अब हम इन सभी लेयर्स को करेंगे मर्ज, तो इसलिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ए, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट देन गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर। फाइनली हमारा आज का डिजाइन रेडी है, तो आई होप आप सभी को मेरा आज का ये पोस्टर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।